हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग कहाँ आ गए हैं और देखिए इनको देख लीजिए। हेलो, ये तो खाने पे ही लगे बहुत पड़े। मजा आ रहा है क्योंकि एकदम खुली धूप है और हल्का ठंडा यहाँ भी लग रहा है क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और हम लोग बैठे हैं इस समय जो जनेश्वर मिश्रा पार्क है वहाँ मैदान में, घास के मैदान में, और बहुत मजा आ रहा है। आज का जो ब्लॉग रहेगा काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, जरूर देखिएगा। देखिए बाबू यहाँ बैठा है, इसको पॉपकॉर्न खाना है। हाय बोल दो। हाय, पॉपकॉर्न खाना है। और देखिए यहाँ बहुत अच्छी हरियाली है। और देखिए बाबू दौड़ रहा है, उसको ना छुओ। और देखिए हम लोग बढ़ रहे थे तिरंगे की तरफ, जो कि बहुत बड़ा तिरंगा लगा हुआ है जनेश्वर मिश्रा पार्क में। उस तरफ हम लोग बढ़ रहे थे क्योंकि पीछे की साइड जो गेट नंबर 4 के आसपास की एरिया है वहाँ हम लोगों ने घूम लिया है। और हम बढ़ रहे हैं अब तिरंगे की तरफ और वहाँ की वीडियो भी आप तक शेयर करेंगे। बाबू देखिए कितनी शैतानी कर रहा है, इसको जितनी बार बुलाते थे मेरे पास आओ उतनी बार दौड़ दौड़ के दूर जाता था। बोला पापा मुझे ढेर सारा घूमना है, इसलिए इसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। और आप देख सकते हैं ये जो आपको पौंड दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ साल पहले भी हम लोग गए थे, करीब 2 साल पहले हम लोगों ने बोटिंग की थी, काफ़ी मज़ा आया था। अभी फ़िलहाल बोटिंग रुकी हुई है। और ये देख रहे हैं जो आप पॉन्ड के आसपास की एरिया है, जो अच्छे अच्छे फूल लगे हैं वहाँ पे, फ्लावर्स लगे हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकता आपको, बट हमने क्लोजअप बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये फूल क्योंकि इनका हमने जो फ़ोटो लिया था जूम करके लिया था, बहुत ही प्यारे लग रहे थे इसीलिए हमने इनको जूम करके फ़ोटो लिया। कि आप लोगों को अगर नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे दूर से देखने पे। और ये पौंड के जस्ट बगल ही है, आप भी जब जाएं जनेश्वर मिश्रा पार्क तो पौंड के आसपास जाएं और इन फूलों से ज़रूर मिलें। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबू ने बोला मैं दौड़ रहा हूँ मेरी वीडियो बनाओ, और वो स्लो मोशन के बजाय बहुत फास्ट रनिंग करके आ गया मेरे पास। उतनी देर में मेरी वीडियो भी नहीं कम्प्लीट हो पाई, खूब मस्ती की। देखिए यहाँ पार्क में बाबू आया है, बहुत मस्ती कर रहा है। और देखिए यहाँ कितनी अच्छी हरियाली है, वाओ। और देखिए मैं पतिदेव जी भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और बाबू तो बार बार पानी ही पी रहा है, देखिए गया पानी पीने। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है इन पेड़ों का, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, मुझे तो नहीं पता है, आप लोग बताना कमेंट में किस चीज़ का पेड़ है। थोड़ा सा हमको हम बात करेंगे, करिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि ब्लॉग में हम पहले ही बता चुके हैं आज हम आए हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी हरियाली है और बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। ठंडी बहुत ज़्यादा है जिससे बचने के लिए हमने सोचा कि थोड़ा आज संडे का दिन है तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं फैमिली के साथ। और मेरा बेटा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काफ़ी मस्ती कर रहा है, श्लोक ये बार बार पानी की बोतल को उठा रहा है और पानी पी रहा है बार बार, उसके बाद बोल रहा है पापा मुझे वॉशरूम जाना है। तो
तो आधे से ज्यादा समय तो इसी में वेस्ट कर दे रहा है। और आप देख सकते हैं कितनी कितना अच्छा माहौल है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। देख सकते हैं आप, इस पेड़ का मुझे नाम नहीं पता है, ये हमारे सामने हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं पीपल का पेड़ है। बाकी ये जो पेड़ आप देख रहे हैं जो काफ़ी हरे भरे लग रहे हैं, वो उसका नाम मैं नहीं बता सकता, मुझे नाम नहीं पता है। तो अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि उससे हमको भी पता चल सके किस चीज़ का पेड़ है। फिलहाल आज संडे का दिन है और हम फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क में। तो हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, जो भी मोमेंट्स होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस समय हम बैठे हुए हैं सेल 217 में ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क के अंदर। काफ़ी बेहतरीन अरेंजमेंट है यहाँ पे और किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी लाके अंदर खा सकते हैं, कोई किट्टी पार्टी कर सकते हैं और कैसे भी घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। अगर आपको गाड़ी की जरूरत है तो आप गाड़ी से घूम सकते हैं और साइकिल भी यहाँ पे रेंट पे मिलती है और बाइसिकल भी यहाँ पे रेंट पे मिलती है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाथ हिला के बोलो हेलो। देखो बहुत मस्ती कर रहे हैं और इनको गर्मी भी लग गई थी, इसीलिए हम इनकी जैकेट निकाल दिए। वाह बहुत 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 अच्छा है। बाबू तो इतना मस्ती कर रहा है क्या बताएं, इसका तो पता ही नहीं चल रहा है कहां से कहां पहुंच जाता है। और देख सकते हैं आप अंदर का जो नजारा है, ये जो ट्रीज हैं, ये हमें लगता है कि हमने हिल स्टेशन पे कहीं ना कहीं देखा है। काफी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आप देख सकते हैं बाहर से इनका नजारा और देखने लगा। हम आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं कितना अच्छा है। और इसमें मुझे कहीं फ्लावर्स नहीं दिख रहे हैं, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि ये कौन सा ट्री है, कौन सा पेड़ है ये। देख सकते हैं आप पास से कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मोमेंट हम शेयर करते रहेंगे आपके साथ। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे तिरंगे के एकदम पास में, उसी के आसपास का नज़ारा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और इसके बाद, इसके जस्ट बाद आपको दिखेगा जो बहुत बड़ा सा तिरंगा है, जो हमारे देश की आन बान और शान है। आप स्क्रीन पे उसकी झलक पा रहे होंगे। अब ये देखिए, ये है हमारा तिरंगा, हमारा प्यारा, हमारा न्यारा और सबसे बेहतरीन तिरंगा, जो हमारे देश की आन बान शान है। उसके आसपास का नज़ारा है, बहुत ही मस्ती की हम लोगों ने यह संडे की। और ये देख सकते हैं हम लोग तिरंगे के आसपास ही टहल रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे टाइम काफ़ी हो रहा था तो इसलिए हमने सोचा कि अब यहीं से मूव करते हैं, क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है और हम लोग जो है इतना घूम नहीं पाएंगे, तो फिर कभी मिलते हैं। और आप देख सकते हैं जो डस्टबिन का शेप है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, ये फ्रॉक का शेप दिया हुआ है डस्टबिन का। और बाबू कह रहा है कि मेरी फोटो फ्रॉक के साथ खींचो, मुझे फ्रॉक बहुत पसंद है। और यहाँ पे काफ़ी टहल चुके हैं इसलिए थोड़ा थकान महसूस हो रही है, तो मैं मिसेज ने जो है, और मेरी तबीयत भी खराब थी पहले से इसलिए थोड़ा, कोई प्लानिंग नहीं थी आने की, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है संडे का टाइम हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। और बाबू की वजह से ज्यादा करते हैं हम लोग। देख सकते कितना बेहतरीन नजारा यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये आप फ्लैग देख रहे हैं, इंडियन फ्लैग, थोड़ा अपोजिट सनशाइन है इसलिए फोटो क्लियर नहीं हो पा रही है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग जा रहे हैं, खाना वाना खा लिए हैं, सोने, और आज हम लोग गए थे घूमने और आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा था। अब हम लोगों के हिसाब से आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताना। और आप लोगों से मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे। और देखिए बाबू भी लेट गया है और बाबू के पापा
दोनों लोग लेटे हैं देखो, और ये वहां पार्क में जाके बहुत ढेर सारी मस्ती किए हैं। इनका पैर भी दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल लगा के मालिश कर दिए हैं पैर में, अब जा रहे हैं सोने। बेटा गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। देखो रैबिट दिखा रहे हैं, कह रहे देखो खरगोश। ठीक है, आप लोग से मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। बाय।